हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी कोच माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित एंड आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है वो मैं शूट कर रहा हूँ 6 जनवरी, मीन्स द 6th of January 2021। सो न्यू ईयर का ये मैं पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ, बट उससे पहले 2 व्लॉग मैं डाल चुका हूँ, जो मैंने छुट्टियों में जो क्रिसमस का जो वेकेशंस था उनमें वो ब्लॉग्स डाल दिए थे। ठीक है, कि अभी मैं आ गया हूँ मेरे घर के पास वाले एक पार्क में। वो इसलिए आ गया क्योंकि मेरा दोस्त कार्ड लेके आने वाला था, उसके भी कुछ पैसे निकाल के लेके आने। अबे बदतमीज, पीछे से आ गए। हेलो, व्हाट्स योर नेम? तो अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मेरा हाईजैक कर लिया व्लॉग, तो ये लोग बड़ा एक्साइटेड है कुछ बोलने के लिए व्लॉगिंग पे। जब भी कैमरा शुरू करता हूँ तो ये लोग आके बैठ जाते हैं ना, तो लेट देम से समथिंग। ओके, हैप्पी न्यू ईयर इंडिया, एवरीबॉडी हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय।
सो लगभग एक घंटे की कसम कस के बाद बिल्कुल यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना इट्स ए बिग डील। मतलब कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मोलिटो मीन्स जिस बैंक से हम लोग आते हैं, बैंक के लिए आते हैं विड्रॉ करने के लिए, उसकी डिस्टेंस और हमारे घर से लगभग ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर है, और यहाँ से 5.5 किलोमीटर कवर करने के लिए इन्होंने ऑलमोस्ट एक घंटा लिया है। मतलब ट्रैफिक इतना गंदा रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ अभी हमें लोगों को पहुँचना था वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं लगभग 50 मिनट से एक घंटे की मेहनत के बाद, मेहनत मतलब परेशानी के बाद। और चलिए दिखाता हूँ अब आपको कहाँ पे है HSBC, जहाँ पे हर एक इंडियन स्टूडेंट अपने पैसे निकलवाने आता है। पैसे मतलब समझ रहे हो ना, आ जाओ। ये है मोलिटो। मोलिटो कोई जगह का नाम नहीं है, मोलिटो एक कॉम्प्लेक्स का नाम है जिसमें HSBC बैंक है। HSBC बैंक इंडिया में तो नहीं है आई थिंक, पता नहीं, अगर गलत बता रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट कर देना मुझे कमेंट में। तो इंडिया में शायद नहीं है क्योंकि मैंने नहीं सुना है, मैंने भी यहीं पे सुना है, बट शायद कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ मैंने देखा है एक दो वीडियोज़ में HSBC। तो ये मेरे सामने है HSBC। तो चलिए चलते हैं अभी ATM के लिए। आगे आते हैं, हर एक इंडियन स्टूडेंट HSBC इसलिए आता है क्योंकि हम लोग हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंडिया से पैसा आता है अकाउंट में, उसके बाद जब हम विड्रॉ करते हैं तो उससे बहुत सारा पैसा कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि एक तो इंटरनेशनल करेंसी में चेंज होता है, उसके बाद ATM चार्जेज, बहुत सारे चार्जेज लग जाते हैं। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल बैंक से निकालते हैं तो वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा कटता है, ठीक है। और वैसे ही एक तो इनकी जो करेंसी है वो हमारी करेंसी से, मीन्स इंडियन रुपीज से थोड़ी हैवी है, और उसके बाद अगर ये लोग इतना ज़्यादा चार्ज और काटने लगे तो फिर मीन्स गलत है ना। तो इसलिए हम लोग HSBC आते हैं। HSBC में चार्ज कम कटता है एज कम्पेयर टू अदर्स, थोड़ा सा कम कटता है ना, तो इसलिए सभी लोग, हम लोग ज़्यादातर इंडियंस लोग HSBC आते हैं, ठीक है। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी, तो अभी चलते हैं ATM के अंदर और कैश विड्रॉ करूँगा। वहाँ पर शायद वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, तो उसके लिए मैं पैकअप कर लेता हूँ अपने आप। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बस एक 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 चीज़ की कमी है, वो है इंडियन रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं ये नहीं कह रहा फिलीपींस में इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, यहाँ पे मोलिटो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है। अगर इंडियन होता तो शायद बहुत सारे इंडियंस और आते हैं यहाँ पे, वैसे ही बहुत सारे आते हैं बैंक के चक्कर में। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने शूट की है, वो सब वीडियोस डालता हूँ, तो आप लोग उसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर व्लॉग के एंड में।
अभी मैं आ गया हूँ मेरे घर के गेट के बाहर ऑलमोस्ट। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीकेंड पे, है ना। वीक में एक बार मीन्स सैटरडे और संडे, मीन्स मे बी मंडे या फिर सैटरडे और संडे को व्लॉग्स मैं शूट करूँगा, कहीं ना कहीं इधर उधर जाऊँगा। इससे क्या होगा कि मैं भी इधर उधर जाके आ जाऊँगा और आप लोगों को भी कुछ देखने को मिलेगा और मेरे को भी कुछ नया करने को मिलेगा, है ना। अभी मैं पहुँच गया हूँ घर और आई होप ये व्लॉग आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा इसमें। और अगर व्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, और प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी कंप्लेंट है, जो भी चीज़ें हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग वही देखते हैं, मुझे ऑलरेडी जानते हैं। सो क्योंकि 10 20 30 लोग देखते हैं, तो जो भी लोग देखते हैं प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा नीचे। अगर कुछ अच्छा हो तो अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइज फॉर द नेक्स्ट वीक।